પ્રમાણે સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે જોઈશું આજના સમાચાર વિગતવાર. ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાના કાર્યાધ્યક્ષ એવં વંચિત બહુજન આઘાડીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર બાયા સાહેબના પુત્ર આદરણીય પ્રકાશ ઉર્ફે વાળા બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના માંદરવજા રિંગ રોડ સુરત ખાતે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની પ્રતિમા પાસે તારીખ 17/2021 બુધવાર સાંજે 6:30 કલાકે પ્રેસ કોન્ફરન્સ અંગે પ્રવર્તમાન સુરત મહાનગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી 2021ને અનુલક્ષીને વંચિત બહુજન આઘાડી પ્રેરિત ઉમેદવારોના ચૂંટણી પ્રચાર તેમજ ભારતના ભાગ્ય વિધાતા વિશ્વ વિભૂતિ સિમ્બોલ ઓફ નોલેજ ભારત રત્ન પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની વિચારધારાનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા વધારાના ઉત્તમ લક્ષ્ય સાથે ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાના કાર્યાધ્યક્ષ એવં વંચિત બહુજન આઘાડીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર બાબા સાહેબના પુત્ર આદરણીય પ્રકાશ ઉર્ફે બાળા સાહેબજી આંબેડકરજીના અનુજ માનની ભીમરાવ યશવંત આંબેડકરજી જાહેર સભાના સંબોધન અનુસાર સુરત શહેર જિલ્લા ગુજરાતમાં પધારી રહેલ છે. રિપોર્ટ રમી ડોડિયા સાથે મયુર રામાવત સુરત. सूरत महानगर पालिके में जो 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा महानगर पालिके का, पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी जो महापुरुषों की विचारधारों पर है, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन विचारों पर वंचित बहुजन आघाड़ी है. तो पहली बार सूरत में इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं. क्या लगता है? देखा यहाँ कि जो भी प्रस्तापित पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, कई पार्टियां है, वो तो प्रस्तापित समाज की रिप्रेजेंटेशन करती है. जो प्रस्तापित समाज है वो अपर कास्ट वाले समाज है. मैं यहाँ सूरत में जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, यहाँ कई लाखों के तादाद में कामगार हैं, वहाँ कौन सा भी प्लेटफॉर्म उन्हें राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ कॉन्टेस्ट कर रही है. और इस इलेक्शन में हम लोग यश हासिल करेंगे. कुछ सीटें हमारी चुन के आई. मैंने ये शहर में दो प्रकार देखे. एक शहर का इलाका है और काफी फॉरवर्ड है, काफी अच्छा है, और दूसरे जहाँ से मैं आया हूँ अभी मीटिंग करके भाटघर से, वहाँ के इलाके में जो दलित लोग रहते हैं वहाँ कॉमन एमिनिटीज नहीं है, कोई बेसिक सुविधा नहीं है. ऐसा अक्सर हो रहा है कि जो ये समाज के माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, आदिवासी कामगार लोग रहते हैं वहाँ, फिर वह सरकारें होगी, महानगर पालिके की सरकार होगी, वहाँ कौन सी भी सुविधा प्रोवाइड नहीं कर सकते. ये ध्यान में रखते समय हमने ऐलान कर दिया है, जहाँ के लोग हैं वहाँ खुद उम्मीदवार के तौर से चुन के आओ, ने अपना विकास का साधन सामने लाओ. सूरत में कितने सीटों चुनाव लड़ेंगे आपके?
हम लोग 13 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सूरत के अलावा कौन से मतलब शहर में दूसरे का चुनाव लड़ेंगे आप? गुजरात में अहमदाबाद में हमारी एक सीट है। समय कमती मिलने के कारण किन मुद्दों को लेकर सीटें नहीं लड़ाई, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लोगों के बाद वोट मांगने जाओगे? हम लोग वोट मांगने जाने जो बेसिक जो गरजा है, बेसिक जो एमिनिटीज है, उस पर हम लोग ये कर रहे हैं। देश में आज नेशनल इश्यूज है, किसानों का प्रश्न है, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी बड़ा संघर्ष है, सूरत में कोरोना COVID-19 बाद में लॉकडाउन में लाखों के संख्या के लोग यहाँ से निकल गए, आज भी वो अनएम्प्लॉयड है। नेशनल इश्यू और यहाँ के इश्यूज पर हम लोग ये इलेक्शन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू।